अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, खैरियत से भाई? जितने लोग, मैं आज का वीडियो जितने भी टिकटॉक म्यूजिकली ये जितने भी एक एक मिनट के कोई भी सीन शॉट करने वाले, कोई भी कारनामे करने वाले जो ऐप है, इसके ऊपर जितने भी जवान लोग हैं, खास करके हमारे मुसलमान जवान लड़के लड़कियां, इनको मैं एक पैगाम पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप लोग मेरी मदद करो ज़रा वहाँ तक पहुंचाने के लिए। एक लड़की है जो टिकटॉक के ऊपर एक गाने पे सुनो मेरी शबाना, उसके ऊपर उसने मिमिक्री किया, वैसा कॉपी करने की कोशिश किया। किसी ने उसका वीडियो उठाकर FB के ऊपर डाल दिया। FB पे वो हर जगह वायरल हुआ, मुसलमानों ने उसको लान तान किया। अब लड़की बोलती है, इसमें मेरी क्या गलती है? आप लोग ने तो मेरे को गाली देकर मुझसे भी बड़ी गलती कर दिया। मैं मुसलमान नहीं तो क्या आप मुसलमान हो? ऐसा उसने बोला। मैं अपना इस्लाम समझती हूँ और मैं अपने इस्लाम के ऊपर चलती हूँ। तो सिस्टर, आप सुनो और आपके ज़रिए से जितने भी मुसलमान हैं वो आप सबको मेरी तरफ से एक पैगाम है। आप इस्लाम के अंदर दूर दूर तक नहीं हो। मेरा नाम राकेश कनौजिया है और मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ उसको गौर से समझने की कोशिश करना। मैं 10 साल से इस्लाम को समझ रहा हूँ। बेटा, गलती ना तेरी है ना लोगों की है, गलती तेरे माँ बाप की है जिन्होंने आपको सही तरबियत नहीं दिया, क्योंकि उनके पास खुद सही तरबियत नहीं आई है, सही इस्लाम नहीं आया। सही इस्लाम आया होता तो वो फिर आपके ज़िंदगी में, आपके वीडियो में दिखाई देता। वैसा आपके अंदर कुछ भी नहीं है जैसा आप दावा कर रही हो। मैं आपको कुछ बात समझाना चाहता हूँ। एक औरत है ना, 4 लोगों को जहन्नम में लेकर जाएगी। अपने वालिद को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने शोहर को और अपने बेटे को। ये जब बड़े हो जाते हैं तो इनका कुछ जिम्मेदारी है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी बीवी कोई ऐसे काम ना करे जिसको अल्लाह उसका रसूल मना करता है। ये मर्दों का खेल है, ये मर्दों का फील्ड है, ये मर्दों का काम है। अभी अगर आपके डैडी ने आपके कान के नीचे चमाट मारा होता पहली बार लिपस्टिक पर कि लिपस्टिक लगा के तू बाहर जाएगी, मुँह खुला रख के जाएगी, क्योंकि उनके पास सही नॉलेज नहीं है इसलिए उन्होंने भी आपको टोका नहीं। और जब उसने, आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं टोका तो आपने रोका नहीं। आप बच्ची हो, आपको इस्लाम के बारे में कुछ नहीं मालूम। मेरे घर के अंदर मैं तुमको एक शॉट बताता हूँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ। एक लड़की है जो 10वीं में उसको इस्लाम समझ में आता है। वो 2-3 साल के बाद है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के 2-3 साल बाद उसको ऐसा लगता है कि भाई मुझे पढ़ लेना चाहिए। इस्लाम कबूल कर लिया, 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं किया। 10वीं के बाद पढ़ाई नहीं किया तो 2-3 साल बाद पढ़ाई करने का थोड़ा जुनून जागा तो उन्होंने इन्फॉर्मेशन डेस्क पे जाके ये पूछने की कोशिश किया, क्या नकाब के साथ में हमको एग्जामिनेशन हॉल में बैठने मिलेगा? तो सामने वाले ने बोला, नहीं, इट्स अ लॉ, आपको अपना चेहरा खोलकर ही बैठना पड़ेगा, ये कानून है। तो वो लड़की ने ना अपना फ्यूचर बर्बाद कर दिया, लेकिन चेहरा दिखाना गवारा नहीं किया। इसे कहते इस्लाम। और ये लड़की का नाम है, अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी बहन है। हमने इसको कभी नहीं बोला कि बेटा नकाब पहन, तेरे को बाहर शैतान बहुत खतरनाक प्लानिंग में है, तू लड़की है, तू कमज़ोर है, तेरी इज्जत पे बहुत खतरनाक वार करने के चक्कर में। हमारा पहला ईमान शैतान पे होना चाहिए। और शैतान कौन है? तुम अगर 100 बार उसके साथ कबड्डी खेलोगी ना तो 100 बार तुमको ना धूल चटा देगा। तो सिस्टर, अपने आप को शाना मत समझो। जो अनसीन है उसके बारे में किसी ने हमको वॉर्न किया है, जो दिखाई नहीं देता गैप की बातों के बारे में हमको किसी ने वॉर्न किया है, उनका नाम है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
या हैदराबाद के अंदर थोड़ा सा मिमिक्री करके ना तुम हीरोइन नहीं बन सकती। तो कृपया करके आपके अगर ये उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का दौर होता तो आपके वालिद को भी 40 कोड़े पड़ते, आपके भाई को भी पड़ते और आपको भी पड़ते, ताकि आइंदा से ऐसी गलती नहीं हुई। ये इस्लाम नहीं है जो आप समझ रहे हो। और जितने भी मुसलमान हैं, वो टीके वाला लड़का हिंदू है इसलिए तुमको ज़्यादा नफरत हो रहा है। वो मुसलमान भी होता ना तो भी उतना ही नफरत होने का, तो तुम मुसलमान हो। ये हिंदू मुसलमान मत करो। उसका किसी लड़के के साथ में घूमना, गैर महरम के साथ में जो उसका भाई नहीं है, बाप नहीं है, बेटा नहीं है, उसके अलावा किसी और के साथ में बाहर घूमने का अलाउड नहीं है। ये इस्लाम है। तुम लोग किसको भी इस्लाम मत बोलो। अगर तुम गलत चीज़ को इस्लाम बोलेगे तो मैं बोलेगा। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। भाई लोग शेयर करो, ये बच्चियों को समझाओ, ये लाली पाउडर लगा के इस्लाम समझ रहे ले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।